खंडवा जिले के पंदाना तहसील में यातायात व्यवस्था बाधित होती थी, जिसके चलते श्रीमान एसपी महोदय शिव दयाल सिंह जी को इस बात से अवगत कराया गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद द्वारा चूने की लाइन डलवा कर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हाट बाजार के व्यापारियों को उस नियम के अंतर्गत दुकानें लगाने के लिए निर्देशित किया, जिससे कि यहां यातायात सुगम और सरल व्यवस्थित हो सके। वही नगर परिषद सीएमओ राठौर ने बताया कि आगामी समय भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेगी। व्यवसायी आदित्य ने बताया कि यहां की जनता काफी खुश है, यहां की जनता इस समस्या को लेकर काफी परेशान थी, जो कि अब व्यवस्थित हो गई, इसलिए हम शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके द्वारा ये नगर निगम पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? नगर परिषद द्वारा वर्तमान में मेन चौराहे से गांधी चौक से चूने की लाइनिंग डलवाई कर आगे की कार्रवाई की गई एवं उसी लाइनिंग के अंदर दुकानें लगवाई गई एवं प्राय देखा गया था कि ट्रैफिक के कारण आमजन को काफ़ी असुविधा हो रही थी, पेशेंट्स को लाने ले जाने में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए यह कार्रवाई की गई एवं आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। त्यौहार चल रहा है, कल गणेश जी का स्थापना हुआ है, मुहर्रम भी आने वाले हैं, जैन समाज के पर्यटन पर्व भी आने वाला है और पंदाना का परिवहन बहुत अस्त व्यस्त था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी होती थी, आसपास के आने वाले लोगों को परेशानी होती थी और परिवहन अस्त व्यस्त होने के कारण बहुत सारी असुविधाएँ लोगों को होती थी और जिसे नगर के और आसपास के क्षेत्र के लोग जो आते थे उन्हें झेलना पड़ता था। नगर परिषद पंदाना और पुलिस विभाग द्वारा इस परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए आज कार्रवाई की गई है, जिसमें परिवहन को सुचारू रूप से व्यवस्थित किए जाने के लिए और आज मंगलवार है जो पंदाना में हाट बाज़ार होता है आज, जिसके कारण भी भीड़ होती है, उसे व्यवस्थित करके आज परिवहन को सुधारा गया है और यह व्यवस्था आगे भी सुचारू रहेगी, जिसके कारण पंदाना में होने वाली असुविधाएँ और परिवहन के कारण जो जाम की स्थिति बनती थी उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जैसा कि पूर्व में शांति समिति की बैठक हुई थी, इसमें भी नगर के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें हमारे बाजार हाट का निर्णय था, उसमें प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है हमें और बता दें कि आज सुबह से लेकर प्रशासन की टीम, पुलिस और जो कि टीम लगी हुई है पूरे बाजार में, यातायात बिल्कुल साफ सुथरा चालू है और जो पहले ट्रैफिक जाम की स्थिति आती थी अब वो स्थिति खत्म हो चुकी है। पंदाना से क्राइम रिपोर्टर नौशाद खान की रिपोर्ट।